सो हियर वी हैव द मेन यूनिट जो मेरे हाथ में अभी है, सेम कार जैसा कार पे इसमें आ गया, मतलब जो आपके कार में हुआ करता है सेम आपके बाइक के ऊपर आ चुका है भाई। और कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉकपिट व्यू 100-120 तक भाई बाइक को भगाते हैं, तो खींच कर देखते हैं भाई। ये देखो मतलब ये इतनी अच्छी स्टेबल क्वालिटी है भाई इसकी, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। एंड आज के वीडियो और थंबनेल को देखकर आप समझ चुके हो भाई आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अपने हाथ में भाई ये रहा प्रोडक्ट, ये चेकआउट कर सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसका जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो पूरा यहाँ पे देख सकते हो, पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके। तो फिलहाल दिस इज अ वायरलेस टच स्क्रीन इंटरफेस विथ सेलफोन कनेक्टिविटी फॉर मोटरसाइकिल्स, दिस इज वाटरप्रूफ, और इसके साथ भाई वायरलेस स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। एंड अभी हमने भाई इसको इस बॉक्स से बाहर निकाल लिया। वैसे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमने किया अनबॉक्स। एंड बाय द वे दिस प्रोडक्ट केम फ्रॉम सिंगापुर, मतलब सीधा डायरेक्ट सिंगापुर से आया भाई। काफ़ी टाइम लग गया आने में, बट कोई नहीं भाई, ये अपनी किस बाइक में लगने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जो मेन यूनिट है वो तो हमने इससे बॉक्स से निकाल दिया है, उसके अलॉन्ग विद इसके अंदर क्या क्या था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा रहा, और ये चेकआउट करो, ये रहा कुछ वायरिंग हार्नेस जिसके साथ अभी हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ये रहा माउंट जिसके ऊपर ये माउंट होने वाला है स्क्रीन, और इधर भी हमारे पास कुछ टूल वगैरह है, और एक और यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग हार्नेस का कुछ सेटअप है पूरा। तो ये पूरा रहने वाला अभी फिलहाल चेक कर सकते हो भाई, दिस इज अ वाटरप्रूफ बॉक्स। तो भाई आपके वायरिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा, बारिश में चलाओ, खराब ट्रेन पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ रहने वाला है स्पेशली। और ये जो माउंट है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेन यूनिट। सो हियर वी हैव द मेन यूनिट जो मेरे हाथ में अभी है, दिखने में कुछ ऐसा लगता है। ये जो ऊपर से अभी हमने इसमें लगा दिया है, प्रोटेक्ट्स दिस स्क्रीन फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं आने वाला है, स्पेशली जब आप राइड कर रहे हो तो आपको विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए, क्योंकि ये ऊपर शेड रहेगा ना तो आपको विजन में कोई इशू नहीं आएगा। तो भाई ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं भाई इसको अपने बाइक में माउंट कराने। कौन सी बाइक में माउंट कराने वाले हैं या मैं अब जब वीडियो बना रहे मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब नीचे जाएंगे देखते हैं भाई कौन सी बाइक पे अच्छे से माउंट हो जाएगा। बाकी जो वायरिंग का काम है वो हम सोच रहे हैं भाई जाके कहीं और करा लेंगे, या फिर खुद से अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गया खुद से हमने कुछ नहीं किया कलाकारी अपने बाइक के ऊपर, तो अगर खुद से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ये सब चीज़ तो भाई होती रहेगी, बाकी आपको मैं एक अच्छा अपडेट देने वाला हूँ। वी आर गोइंग ऑन अ राइड, मतलब मैं जा रहा हूँ, और एक और स्पेशल पर्सन है जो आपको मैं बताऊँगा आगे अपकमिंग जब मैं राइड स्टार्ट करूँगा। तो अभी यहाँ से अपन जा रहे हैं पुणे, पुणे आई एम गोइंग ऑन 15th, एंड शायद ये वीडियो 14th को आ रहा है, 15th को मुझे भी नहीं पता, बट 15th को अपन जा रहे हैं पुणे, वहाँ से फिर 16th को हमें बाइक पिक करना है। कौन सी बाइक पे जा रहे हैं भाई ये सस्पेंस रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो आई होप आपको मज़ा आएगा आगे की सीरीज़ में, क्योंकि 7 से 8 दिन का ट्रिप होने वाला है, तो आई होप आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हिंट देते, अपडेट देते, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था भाई राइड का प्लान कर रहे, कुछ तगड़ा कर रहे, बहुत लोग के मन में चल रहा हो कि लद्दाख का राइड हो सकता है, बट देखो अभी लद्दाख का इसलिए नहीं कर रहे, तो भाई अगर अपने पास 2-4 लोग होते साथ में जाने वाले तो ग्रुप में जाने में ज़्यादा मजा आता, बट फिलहाल अभी वैसा कोई ग्रुप है नहीं, तो मैं नहीं चाहता भाई सोलो राइड करने का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो अगर राइड ही करना है तो ऐसे चलते हैं पुणे, वहाँ से हम लोग करने वाले एक बाइक पिक, कौन सा बाइक होगा वो सस्पेंस रखते हैं, वो बाइक पिक करने के बाद उसके बाद हम लोग करने वाले राइड, वहाँ से कहाँ का वो आपको मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा जब मैं बाइक पिक कर लूँगा, इतना सस्पेंस रहने देते हैं। तो गाइस बिना लेट के भी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं भाई कौन से बाइक पे माउंट करने वाले हैं, अब नीचे मिलते हैं सीधा आपसे ऑन बाइक। सो ऑलरेडी गाइस तो भाई अभी आ चुके भाई, एंड अभी आपको मैं बताने वाला भाई कौन से बाइक पे अपन ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कराने वाले। तो भाई फिलहाल देख सकते हो वी हैव द ड्यूक 390, और ये बाइक किसकी है भाई, इस बाइक की। तो इसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, प्लान था हमारा कि अपनी गॉडज़िला में इंस्टॉल करने का Z900 में, बट अभी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि भाई गॉडज़िला को निकालना है बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा ना भाई, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, पहले यहाँ पे माउंट करते हैं एंड इसके बाद दिखाते हैं कनेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो गाइस तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो काम है वो हमने कर लिया है, एंड आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे हमने कुछ जुगाड़ किया है, क्योंकि देख सकते हो इसके हैंडल बार में ना स्पेस काफ़ी कम है, तो हमने थोड़ा जुगाड़ किया, बेसिकली दिस इज़ फॉर एडवेंचर बाइक, बट भाई हमने इसमें देखो यहाँ पे फ़ोन होल्डर लगा पड़ा है, यहाँ पे GoPro का माउंट था तो हमने इसके ऊपर ही जुगाड़ कर दिया। और एक और फायदा है भाई फ़ोन होल्डर की वजह से, भाई हमें ना इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास 2 वायरिंग हार्नेस आया था भाई, एक था जिसको अपन बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पे USB वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन है, तो USB चार्जर है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट प्लग इन करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये हमने प्लग इन कर दिया, पर चेक करना भाई ये कितना ईजी प्रोसेस है, आप भाई आराम से मतलब अपने घर पर कर सकते हो, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे भाई आपको बस इन दोनों को भाई एक साथ पेन को डाल देना है, ये देखो यहाँ पे बाउंड के लिए एरो भी बना पड़ा है, तो ये हमने भाई लगा दिया है, ये चेक करो, तो ये लग चुका है। एंड अभी इसको अपन ऐसे टाइट कर देंगे, चेक, ये देखो भाई फाइनली अपना जो जुगाड़ था वो काम आ गया,
ये देखो भाई, बिना वायरिंग ज़्यादा दिमाग ख़राब किए, और गर्मी इतनी ज़्यादा ना, ये आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, तुमने ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया, बैटरी से कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, फ़ोन होल्डर के भाई फ़ायदे उठा लिए और ये हमने कर लिया कनेक्ट। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई तीन ऑप्शन, एंड्रॉयड ऑल्टो, कार प्ले, और यहाँ पे आपको टाइम, और ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सेट कर लेना। यहाँ पे बीटी का हो गया, वॉल्यूम का, ये देखो ब्राइटनेस का, और ये देखो कितना स्मूथ है भाई इसका जो इंटरफेस है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। यहाँ से वॉल्यूम को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बीटी का ऑप्शन आ गया। अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये अपना रहा फ़ोन, ऑटो और कार प्ले दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो हमारे पास अभी आईफोन हाथ में, तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं कार प्ले से। तो हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, ये चेकआउट करो, और भाई अपन इस पर जाते हैं कार प्ले के ऊपर। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर MT65 करके ऐसा कुछ आने वाला है। और भाई अभी मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, हाउ यू कैन गेट दिस, और आपको भाई कितना डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और ये हमने देखो भाई अपने फ़ोन पे आ गया, इसको भी अपन कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो चुका है कनेक्टेड। नाउ अभी कार प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें वायरलेस देखो यहाँ पे दिख रहा है यूज़ कार प्ले, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, और अब डायरेक्ट कार प्ले का ऑप्शन आ जाएगा गाइस। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये आ गया मेरा कॉल लॉक्स, ये अपन यहाँ आते हैं भाई। अभी देखो मैंने कहाँ का सर्च करके रखा, ये एक छोटा सा हिंट था हमारे अपकमिंग रोड ट्रिप का। तो ये चेक कर भाई, ये आ गया अपना मैप। तो भाई ये पूरा कंप्लीट GPS मैप विदाउट पुटिंग एनी फ़ोन, मतलब आपको यहाँ पे फ़ोन भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे GPS यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो भाई यहाँ पे म्यूज़िक भी अपने फ़ोन के भाई चेंज कर सकते हो, अपने फ़ोन में आपके जो भी म्यूज़िक है, जो भी म्यूज़िक लाइब्रेरी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो भाई, ये आप देख सकते हो, आपका कोई भी कॉल आएगा, अभी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ अपने नंबर पर। तो मैं अपने इस फ़ोन से इस वाले फ़ोन पर कॉल करके दिखा रहा हूँ, सोच रहे यहाँ पे नंबर रिवील ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर है। तो ये देखो भाई कॉल आ चुका है मेरे इस फ़ोन से इस फ़ोन के ऊपर। यहाँ से एक्सेप्ट करने पे भाई मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, कि ये बस नोटिफिकेशन के लिए, जब आप राइड कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए भाई, पता चल जाए कि आपके फ़ोन पे किसका कॉल आ रहा है, आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो अपने हेलमेट के इंटरकॉम को भी कनेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कॉल पिक करोगे और बात कर पाओगे। स्पेशली भाई ये देखो काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, टच का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि आपने अभी देखा। तो वापस से आ जाते हैं भाई यहाँ पे, ये चेकआउट करो, दिस इज़ अ कम्प्लीट सेम कार जैसा कार पे इसमें आ गया, मतलब जो आपके कार में हुआ करता है सेम आपके बाइक के ऊपर आ चुका है भाई। और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कॉकपिट व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला आपको भाई। ये रहा आपका स्पीडोमीटर, और ये रहा साइड में। तो भाई एक और बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पे आपको बटन्स का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो भाई रात में अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसको थोड़ी देर होल्ड करके ऐसे क्लोज भी कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले ऑफ हो गया है, बट आपका ये वर्किंग है, देखो अभी भी कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। और साइड में और भी बटन से, यहाँ पे देखो होम का बटन है, और भी दो बटन से यहाँ पे। तो दीज आर द फीचर्स। अब टाइम आ चुका है इसको लगाकर, यहाँ से हम लोग मैप को सेलेक्ट करके बाइक को राइड करने का, सो दैट पता चल पाए भाई कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हमने अपने बाइक के ऊपर माउंट किया है। तो अभी आपने देखा कि इस हालत ख़राब हो गया भाई इसको माउंट करते करते, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है भाई, और माउंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, लेकिन इस गर्मी में भाई कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो फिलहाल अभी अब टाइम आ चुका है, इसको भाई हम लोग यूज़ करके दिखाएंगे वाइल्ड राइडिंग। अभी हम लोग चल रहे सीधा, गियरअप होते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं, और जो अभी बाकी की बातें करेंगे वो आपसे करेंगे ऑन गोप्रो। अभी अपन आ चुके हैं भाई अपने भाई गोप्रो वाले सेटअप पे, ये हमने किया भाई की ऑन, ऑलरेडी आपको हमने कनेक्ट करके भी दिखा दिया था। अभी आप चेक करो भाई, ऑटोमेटिकली भाई जैसे हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया, ये ऑन हो चुका है भाई, और यहाँ पर वेलकम आ चुका है। तो अभी देखना भाई कैसे ये प्रोसेस करता है खुद से, भाई सारा काम ये खुद कर लेगा, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ब्लूटूथ ऑन रखना है, दैट्स इट। ये देखो ये खुल चुका है, अभी ये ऑटोमेटिकली भाई कारप्ले से कनेक्ट हो जाएगा। चेक करो भाई, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है, हमें भाई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पर अपन मैप खोल देते और अब चलते बाइक को राइड करते थोड़ा। अभी मैं राइड इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू शो दैट कि भाई ये कितना ज़्यादा, मतलब इस कॉकपिट व्यू पे मज़ेदार लग रहा है, मुझे तो भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेशली भाई अभी तो अपन सिटी में राइड कर रहे हैं, जब अपन लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे या फिर कहीं भी राइड की प्लान करेंगे ना, उस पर ये माउंट कर देंगे तो भाई कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है भाई फ़ोन होल्डर के साथ भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप फ़ोन होल्डर में फ़ोन लगाते हो तो भाई अगर आप गलती से भी फ़ोन भूल जाते हो तो आपका फ़ोन चोरी हो सकता है, फ़ोन खो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे मेन है भाई, आपको पता है आईफोन के और या फिर जो भी महंगे फ़ोन होते हैं जिसका कैमरा अच्छा होता है, उसके अंदर गिम्बल होता है, जिसकी वजह से भाई वीडियो की स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आप फ़ोन होल्डर यूज़ करोगे भाई तो आपके फ़ोन का
कैमरा का जो गिम्बल है वो ख़राब हो जाता है। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, आपको यूट्यूब पे मिल चुके होंगे ऑलरेडी कि भाई फ़ोन का कैमरा ख़राब हो जाता है फ़ोन होल्डर पे यूज़ करने पे। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप थोड़े पैसे खर्चे करके ये प्रोडक्ट ले लोगे तो भाई आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना भाई, उतने में कोई अच्छा फ़ोन आएगा भी नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप एक आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आप खुद कंपेयर कर लो इसके प्राइस को और आईफोन के प्राइस को, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। ऊपर से भाई ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, मतलब आपका जो कॉकपिट ना काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है। इसका सारा डिटेल्स जो भी है भाई इस प्रोडक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, डायरेक्टली गो विजिट ऑन द लिंक और इसके वहाँ से आप परचेज कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। स्पेशली अगर आप भाई मेरे लिंक से परचेज करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई जिसको भी लेना है यू कैन गो एंड विजिट ऑन द लिंक। वक्त आ चुका है भाई इसको टेस्ट करने का। भाई स्पीड में अगर हम लोग बाइक भगाते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई हाईवे पे हम लोग जब भी चलाते हैं बाइक 80, 100, 120 तक भाई बाइक को भगाते हैं, तो खींच कर देखते हैं भाई। ये देखो, मतलब ये इतनी अच्छी स्टेबल क्वालिटी है भाई इसकी, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको मन में ना भाई कहीं भी डर नहीं लगे कि ये प्रोडक्ट निकल के गिर जाने वाला है। बल्कि अगर आपका ये फ़ोन रहता ना भाई तो एक पल के लिए मन में डर रहता कि कहीं आपके फ़ोन निकल के गिर ना जाए। ये अभी आपने देखा भाई, हमने बाइक को ऑलमोस्ट 100 तक क्लॉक किया और भाई ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा भी नहीं है भाई शेकी है ज़्यादा कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो। अगर इसमें वाइब्रेशन रहेगा ना तो आपको विजिबिलिटी में इशू आएगा, बट वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो फिलहाल अभी चल रहे अपन कुछ काम से, वो सारा काम है वो निपटाना है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस वीडियो में वी आर गोइंग ऑन अ राइड। राइड कहाँ से कैसे कैसे वो पूरा प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, एंड ये जो हमने आज किया इस पर भाई DIY, तो आपको भाई पसंद आया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमने भाई कुछ ऐसा किया खुद से। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, एंड अगर आप किसी को भी भाई ये प्रोडक्ट परचेज करना है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है भाई ऑलरेडी, तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो एंड आई विल ऑल्सो गेट 15% डिस्काउंट। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ भाई, डिस्काउंट लेना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।